असलाह बनाने की फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़। अभियुक्तों की हुई गिरफ्तारी। भारी मात्रा में निर्मित एवं अर्धनिर्मित अवैध असलहे एवं असलहे बनाने के उपकरण हुए बरामद। तीनों अभियुक्त है साथ ही किस्म के अपराधी। पूर्व में भी रहा अपराधी की इतिहास। संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर इंदिरा मनोरंजन पार्क के पास जंगल से तीन व्यक्तियों राजू रजवाड़ा उर्फ इकबाल पुत्र रेहान निवासी शंकटा देवी थाना कोतवाली सदर, सुहेल उर्फ सीबू पुत्र शमशाद अली निवासी हातिमपुर थाना कोतवाली, राजेंद्र पुत्र सुंदर लाल लोहार निवासी सुजानपुर थाना धौरारा को मौके से अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन करते हुए गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध रूप से निर्मित व अर्धनिर्मित अवैध शस्त्रों व शस्त्र बनाने के उपकरणों की बरामदगी की गई है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तगढ़ के विरुद्ध अभियोग दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तगढ़ साथी किस्म के अपराधी हैं जिनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा। और मनोरंजन पार्क के शहर में इंदिरा मनोरंजन पार्क के पास में जंगल के पास में स्थान है, वहाँ पे तीन अभियुक्त पकड़े गए हैं। राजू रजवाड़ा, सुहेल सूजू और राजेंद्र। राजू रजवाड़ा के करीब एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं। इनके साथ भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद हुआ है और पिस्टल, अवैध तमंचे, अर्धनिर्मित तमाम बैरल और बॉडी और उसके और जो उपकरण होते हैं हैम्बर वगैरह ये सब बरामद हुए हैं। जो तमंचा बना करके पिस्टल में कोतवाली और स्वाट टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इनको जेल भेजा है। जी बिल्कुल, इसमें राजू रजवाड़ा जो है इनके ऊपर, राजू रजवाड़ा के ऊपर करीब 15 मुकदमे